क्या किसी के ऊपर लाठी चार्ज हुआ? बिल्कुल हुआ है। लाठी चार्ज करो पूरा प्रयास तो। हाँ बराबर आज की आवाज क्या है? अरे ढको पंद्रह लोग हुए हो। 2015 हो गया तेरा भाई। 2015 लोग हो गए। सबको बुला लो। हाँ पर लाठी चार्ज नहीं हुई। बस तो फालतू बातें कर। पुलिस भी नहीं हुई। जाप्ता किया है। सब सुनो आप सूरज जी बोलते हो। किसी ने वेलांगरी अंदर आने नहीं दिया। सब जगह नाकाबंदी किया। सिलोया नाकाबंदी है। 1500 पब्लिक बैठी है। सबको बुला लो इधर। हमारी मांग क्या है कि दोषियों को जेल की सलाखों में भेजा जाए। बस जिन लोगों ने मर्डर किया है उनको जेल की सलाखों में भेजा जाए। उसके बावजूद कल से लगातार प्रशासन इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। एक जने की अभी गिरफ्तारी की है। तो आज इतने दिन तक आप कहाँ गए थे? कहाँ सोए थे? कहाँ सोए थे आप लोग? तो अब हम लोग एसपी मैडम से मेरी बात हुई है। मेरे पास फोटोग्राफ है जो जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसकी वाइफ को लेकर के पेश किया गया एसपी मैडम के सामने। एसपी मैडम ने कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जो भी आरोपी होंगे वो जेल जाएंगे। अभी वो मेरे पास फोटोग्राफ है। आप मेरे पेज पर सुरेश नौरवा पर मैं अपलोड करूंगा शाम को। लेकिन पुलिस प्रशासन ने ऐसा कहा क्या? चुनाव की सभाएं हो रही है, 1000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम शांतिपूर्ण लोग हैं और लाठी चार्ज अगर करते हैं तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है ना? लोकतंत्र का राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आज जो लोग आ रहे हैं, हम कोई लड़ाई करने थोड़ी आ रहे हैं, कोई दंगा करने आ रहे या कि सरकारी संपत्ति को नुकसान करने। हमारी मांग को लेकर अगर आप लोग पहले कार्रवाई करते, अगर आप लोग कार्रवाई कर देते, आरोपियों को जेल में डाल देते, तो फिर हमें यहाँ पर आने की क्या तकलीफ? कई लोग गुजरात से आए, दूर से आए, कहीं से ये ठीक है, 5-2-3 हजार का डीजल जला के आए, तो ये पागल थोड़ी ना है। आज 4 दिन से लगातार हम जा रहे हैं वहां पर। प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, आज उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया और आज गिरफ्तार किया। फिर आप सभी सीमाएं सील कर रहे हो, सारी बॉर्डर सील कर रहे हो कि हम आने नहीं देंगे। मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हो, गिरफ्तार कर देंगे, अरेस्ट कर देंगे, तो अरेस्ट करके ले जाओ ना। तैयार है, हम तैयार है गिरफ्तार करने। फांसी होनी चाहिए। एसपी मैडम ने कहा है, मैं आपको बता दूंगा अगर आपको मेरे पास फोटोग्राफ। अरे भाई अपने पीछे में गिरफ्तार नहीं दे रहे, अबे 3 जना है बड़े में इनवॉल्व है, हमने 3 जनों से बैठे हो। एक मिनट
आज क्या नेता खड़ा क्या नेता आज नेता खड़ा क्या नेता खड़ा नेता लगातार संघर्ष कर रही हूँ बहुत दिनों आज मैडम बात हुई है मैडम कमिटमेंट की तो है के अपराधी जेल में जाएगा और कोई दोरा नहीं है कोई आप सहमत हो कि नहीं हो ये बताओ सब सहमत है सहमत है बताओ एसपी साहब की है वो हमें लाइव वाले रही और फोन रे में अनिस फोन में फोटो है मु आपने फोटो पर बताओ उमर मैडम बात हुई है और लड़की ने हाथे ले लियो वरना खुद समझ बयान कौन अपराधी था वह लड़की खुद मुड़ा उखियो के ए लोग अपराधी था एक मुसलमान भी मलियोड़ो में भेड़ो ठीक है नहीं जो भी है तो एसपी मैडम क्यों है के जेल जाएंगे अपराधी ठीक है एक मिनट एक मिनट मनीष भाई बोलो ठीक है ना आश्वासन दिया है मैं बता देता हूँ आप सहमत हो तो मैं तो तैयार हूँ मनीष भाई पुलिस ने क्या बोला बताइए अभी राम जय गोगा हमें भाई अपने क्या करनो है तो आप माँ तांडव करो में कोई दौरा नहीं अगर राजनीति हुई तो तारीख तक है बड़े कार्रवाई करो ठीक है तो आप अटिस्ट रहो ठीक है नहीं और आप अगर सहमत हो तो हमें उड़दन कानून हाथ में लेवा जरूरत नहीं मुँह तो वो कहूँ अगर सहमत हो तो एसपी क्यों है कार्रवाई करवा रहो और मारे बात हुई है बकायदा रिटर्न में और वन लड़की रो भी हाथे फोटो है एसपी रो फोटो है भोपाजी ने और मुँह जो लड़की है जो ठीक है नी आप पूरी बात परफेक्ट है ठीक है नी बाकी है पुलिस कोई कमी नहीं छोड़ी है घरे लाठी साठी किदा है के किदा ही वही लेकिन अपन हमके वोट आवे वोट जे हो से हम जन ना काम कर जियो हेलो गोगा जी सोगने के रोपा फिर रे सोगने जय बोला सोगने जी मारे तो सोगने अरे मैं कोई कांग्रेस ने बीजेपी नहीं है ठीक है एक नेता कोई देखा क्या एक नेता एक नहीं देखा तो लकड़ा क्या भाई साहब भिंगाई श्रीमान कहाँ बता रहे ये वेलंगरी वालों नाटक बुलाओ रहा मैं क्यों आगे नेता नहीं आवाज़ देता दोस्तों काफ़ी संख्या में युवा इकट्ठे हुए हैं सिरोही के अंदर और पुलिस भी दबाने का प्रयास कर रही है इस मैटर को दबाने का प्रयास किया अभी तक मुजरिमों को अरेस्ट नहीं कर पाई है पुलिस और करने का प्रयास नहीं किया है उसी को लेकर सिरोही के अंदर जय श्री राम जय श्री राम बढ़िया
आपके छोटे बच्चे होंगे या आपके बुढ़े माँ बाप होंगे और आप उनको इन्फेक्ट करेंगे और उनको इन्फेक्ट करने के बाद में हो सकता है आपके घर में कोई
कॉलोनियों को जो नक्सली जम जाए उन सबको यदि बचाना है कोरोना से तो आपको हमारे सहयोग इसमें करना पड़ेगा और आप प्लीज दो महीने से मामले को दबाने का प्रयास किया। एसपी महोदय ने आज आश्वासन दिया है कि हम अपराधियों को जेल भेजेंगे, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसमें 10 दिन का समय दिया है, अगर 10 दिन के अंदर अपराधी जेल नहीं जाते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हमें उसके बाद में बहुत बड़ा एक और आंदोलन करेंगे। थाना अधिकारी रुके हुए हैं, स्थानीय थाना अधिकारी सुरूपगंज थाना वो टिका हुआ है। मेरी थाना अधिकारी से भी बात हुई, उन्होंने मुझे बुलाने का प्रयास किया, कहा कि आप एसपी साहब उनको मत भेजना, लेकिन फिर भी मैं उनके पास नहीं गया। मैं एसपी महोदय से बात करके यहाँ पर आया, उन्होंने कहा है कि अपराधी जेल में जाए, इसको आने वाले समय में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा और एक महातांडव होगा, उसके बाद जिम्मेदार प्रशासन और राजस्थान सरकार होगी। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो पासा रोड से इस साइड आ जाओ, रोड से इस साइड आ जाओ, रोड से इस साइड आ जाओ। अरे दादा आगे आ लो, दादा आगे आ लो, गाड़ी आ गलो, गाड़ी आ गलो। सब एक फोटो लिया ऊपर है। चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, सब सब चले जाएंगे। दो मिनट शांति रखो, शांति रखो। कोई रुकने वाले नहीं है, सबके सब 10 दिन का बोल दिया, सब जाने वाले हैं। आप रोड साइड में रहो, भैया गाड़ी जा रही है रोड से चल ली बा, आज बस ठीक है। कोई नहीं आप पीछे से हल्ला करते करने दो, अपन तो बोल सकते हैं। हां हेलो मतलब पहले चल दो आगे जो पब्लिक इकट्ठी हुई है उन्हें पर है, जो ये दो गाड़ियां आगे निकल रही हैं, ये वहीं पहुंच रही है। आप सब जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या हुआ इसमें, क्या ला रहे भी गाड़ी वाले बॉडी गार्ड है, चीफ मिनिस्टर वाले पुलिस तो आई सुरेश नॉर्वे जोड़ा राजस्थान में सीएम ये पुलिस कम से कम आगे पीछे आले तो है गोपा जी, तो राजस्थान का सीएम सुरेश चलो आप आगे चलो पीछे चलो अंदर डालो बाहर डालो जहाँ डालना वहाँ डालो।
बहन संगीता को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हाँ, उन मुजरिमों को अरेस्ट करे, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, तब जाकर हम यहाँ से जरूर जा सकते हैं। वरना हम यहाँ से अगला मुकाम पाथेड़ी है। बहन संगीता को लेकर संगीता के जो हत्यारे है, त्रिंद है, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये गोगा सेना साथ में, ये गोगा सेना साथ है, पूरी सतीश को में साथ है, सतीश बिरादरी साथ है, भगवा स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज जी नोहरवा साथ है, हम सब साथ हैं। नेता है कि आए? नेता नहीं आया, नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए, नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए साथियों। आज नेता दूर उड़ा रहो? नहीं, उसका आया ना, नेताओं के दूर उड़ाओ, ये बात सही, नेताओं के पीछे दूर उड़ाओ। कहाँ आयो? मैं सुनाता हूँ आपको। कहाँ आयो? बाद में। कहाँ आयो? बाद में सुनाता हूँ। क्या अब जा रहे हैं जहाँ पर ये मर्डर हुआ है, वहीं पर जा रहे हैं, वहीं पर बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हुई है। ये जो पब्लिक थी यहाँ पे, बीच में पुलिस वालों ने रोक रखी थी, हम लोग हैं जो कहीं बाहर गए थे, तब तक पुलिस वालों ने रास्ता रोक रखा था, पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हुई थी। कौन सा गांव था ये भोपाल जी का गांव? सिंद्रत गांव के अंदर गोगा जी का मंदिर है, वहां पर पुलिस वालों ने उस पब्लिक को रोक रखी थी, वहां पर आने नहीं दिया था। अब हम जा रहे हैं वेलंगनी। क्या पर अंदर क्या पर है? निकाल लेते जा रहे जो? किसने बोला? रुको, रुको 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 रुको। हाँ, रुको 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 रुको। जाएंगे चले जाएंगे, गाली मत दो। हाँ, लोगों को दर्द है, इकट्ठे हुए हैं, बैठ जाएंगे। हम बैठे हैं, ये भी बैठेंगे गाड़ी में, ये साथ ही है ना तुम्हारे, जो भी ले आओ, ये बैठेंगे, ये बैठेंगे, बैठ जाएंगे। मनीष को भी ले लो। हां, मनीष को भी ले।